नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं जीपीएन 24। 5 अक्टूबर से आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले कुछ टीमें वार्म अप मुकाबले भी खेलने वाली हैं। कल वार्म अप मुकाबले की शुरुआत हुई, कल 3 मुकाबले होने थे जिसमें से एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया। वहीं जो बचे 2 मुकाबले थे जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सामना हुआ था, उसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को आसानी से 5 विकेट से हरा दिया। आपको बता दें, टारगेट हालांकि 345 रनों का था, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड ने आसानी से पाकिस्तान को हरा दिया। वहीं दूसरा मुकाबला बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच था, जिसमें बांग्लादेश ने श्रीलंका को आसानी से हरा दिया। इसके अलावा आज भी 2 वार्म अप मुकाबले हैं, जिसमें भारत का मुकाबला इंग्लैंड से है और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नीदरलैंड से है। हालांकि वर्ल्ड कप और वार्म अप मुकाबले के अलावा एक और चर्चा इस वक्त हिंदुस्तान में हो रही है, वो ये है कि पीसीबी चीफ ज़का अशरफ ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी टीम दुश्मन मुल्क में खेलने गई। उनके इस बयान के बाद उनकी काफी किरकिरी हो रही है, लोग उनकी काफी बेइज्जती कर रहे हैं कि आखिर वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं। जब खेल के जरिए 2 देशों के रिश्तों को सुधारने की बात की जा रही है तो वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं। आपको याद होगा, वर्ल्ड कप से पहले काफी चर्चा हो रही थी कि क्या पाकिस्तान इंडिया आएगी या नहीं। हालांकि पाकिस्तान इंडिया आई और उनका जोरदार स्वागत हुआ हैदराबाद के एयरपोर्ट पर। हमारे देश ने एक बार फिर साबित किया कि क्यों कहा जाता है हिंदुस्तान को अतिथि देवो भव। यहां हम उनका स्वागत कर रहे हैं और वहां उनके द्वारा एक अलग तरीके की नफरत बांटी जा रही है। 5 अक्टूबर से आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले कुछ वार्म अप मुकाबले खेले जाने हैं। आपको बता दें कि कल 3 वार्म अप मुकाबले खेले गए, जिसमें साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच का मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया। दूसरा मुकाबला था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 345 रन बनाए थे, पर न्यूजीलैंड ने उस 345 को भी आसानी से चेज कर लिया। वहीं एक और मुकाबला था श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच, जिसमें श्रीलंका ने बनाए थे 264 रन और बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर इस टारगेट को हासिल कर लिया। वहीं आज की बात करें तो आज भी 2 वार्म अप मुकाबले खेले जाने हैं, जिनमें भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होने वाला है और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नीदरलैंड से होने वाला है। भारत के लिए देखने वाली बात यह होगी कि आखिर वो किन बल्लेबाजों के साथ उतरने वाली है। हालांकि बल्लेबाजी तो शायद सबको मिले, लेकिन देखना यह होगा कि नंबर 4 और नंबर 5 पर भारत किसे भेजती है, क्योंकि जो भी खिलाड़ी नंबर 4 और 5 पर आएगा, यकीनन वो ही खिलाड़ी वर्ल्ड कप में 4 और 5 पर खेलने वाला होगा। इन सब के बावजूद एक और चर्चा हो रही है और काफ़ी ज़ोरों पर वो चर्चा हो रही है, वो ये कि पाकिस्तान पीसीबी चीफ ने जो बयान दिया है, जिस तरीके से उन्होंने भारत को दुश्मन कहा है, उसकी चर्चा काफ़ी ज़ोरों से हो रही है। जी हाँ, जब क्रिकेट से दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया जा रहा था, पीसीबी चीफ के बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ज़का अशरफ ने एक साक्षात्कार के दौरान विवादास्पद बयान दिया। वायरल वीडियो में अशरफ ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों को आकर्षक कॉन्ट्रैक्ट देने की बात कही थी। हालांकि बातचीत के दौरान उन्होंने पाकिस्तान द्वारा दुश्मन मुल्क की यात्रा का जिक्र किया। उनका सीधा इशारा भारत की तरफ ही था, इसलिए अब पीसीबी प्रमुख की किरकिरी भी हो रही है। अपने बयान में ज़का अशरफ ने कहा, हमने अपने खिलाड़ियों को प्यार और स्नेह से ये अनुबंध दिए। पाकिस्तान के इतिहास में कभी भी खिलाड़ियों को इतनी बड़ी रकम नहीं दी गई। मेरा उद्देश्य खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा रखना था, क्योंकि वे दुश्मन देश में जा रहे हैं। उनके इस बयान के बाद उनकी काफ़ी बेइज्जती भी हो रही है। बता दें कि पाकिस्तान एक दिवसीय विश्व कप में खिताब के प्रबल दावेदारों में से एक है। हाल ही में संपन्न एशिया कप में उनका अभियान यादगार नहीं रहा, लेकिन भारत की परिस्थितियां काफ़ी हद तक पाकिस्तान जैसी ही हैं। हालांकि यहां की विकटें उतनी फ्लैट नहीं होंगी जितना पाकिस्तान में होती हैं। बाबर आजम की टीम बुधवार 27 सितंबर को हैदराबाद पहुंची थी। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों द्वारा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया, लेकिन खिलाड़ियों को मिल रहे दोस्ताना व्यवहार के बीच ज़का अशरफ ने अपने बयान से एक बार फिर दोनों देशों के खेल प्रेमियों के बीच खटास पैदा करने का काम किया है। ये मोराल इनका अप होना चाहिए, जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाए जहाँ कॉम्पिटिशन हो रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे जीपीएन 24।